तीन हफ्ते अभी बिहार में था, बस यही मतलब कर्नाटक और भोजपुर बहुत दूर है तो भोजपुर हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़े थे, जगदीश मास्टर जी से लेकर तक चंद्रिका भी गया था मैं, तो ये सब हम लोग मतलब किताबों में पढ़े। लेकिन ये एमएल मूवमेंट क्या है और क्यों, उसका हकीकत क्या है, उसका इतिहास क्या है, मतलब पढ़ने में होती है उसको जाने। तो इक्वारी से लेकर बहुत सारे मतलब गाँव में हम लोग गए थे वहाँ पर, बहुत सारे लोगों से मिले, और ये एक चीज़ है कि सबसे शोषित वर्ग है वही है लिबरेशन, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और वो एक व्यवस्था से मतलब जो आपको नहीं लगता है कि आप जीत पाओगे, नहीं लगता है कि वो एक जो वो एक वर्ग है वो संगठित हो सकता है, नहीं लगता है कि अपना कोई भी एक एक ख्वाब हो पाएगा, उनको लगता है कि सिर्फ रात को आता है, लेकिन वहाँ पर हम देखें कि वो हुआ है। तो हम लोग जब कुछ गांव में गए थे, जैसे एक बार में एक्चुअली ब्रांच पार्टी ब्रांच का मीटिंग था, और मतलब जब बातचीत कर रहे थे तो एक साथी पूछे कि आप लोग कर्नाटक में क्या कर रहे हो, तो हम सब बात बोले, तो वो बोले कि नहीं ठीक है कॉम्रेड ये सब अच्छी बात है, लेकिन यूनियन यूनियन ठीक है, आप भोजपुर को कर्नाटक तक ले जा रहे हो आपको बहुत खुशी है, लेकिन आप फिर भोजपुर को ले जाओ, और भोजपुर जो है वो सिर्फ एक आर्थिक प्रश्न नहीं है, हमने वो नहीं उठाया, ये सामाजिक प्रश्न हमने उठाई है। तो ये पूरा जो एक इतिहास है मुझे लगता है हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए। और आज के तारीख में जब इतना सारा एक अर्बनाइजेशन शहरीकरण क्या बोलते हैं जो चल रही है, सॉरी मेरी हिंदी इतनी तो हम लोग जब यहाँ पर काम भी किए थे कर्नाटका, आपको सब मालूम है कर्नाटका इतना पहले से वहाँ पर पार्टी तो पहले से था, अंडरग्राउंड के समय में भी पार्टी वहाँ पर थी, लेकिन जाते जाते फिर थोड़ी बहुत यूनियन का काम भाईपा का काम वगैरह वगैरह चालू हुआ, ऐसा भी एक समय में थोड़ा जोरदार भी था वहाँ पर, अब नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने वर्किंग क्लास फ्रंट पर काम किए तो हमको ये लगा कि यहाँ पर हमको जाने ही, क्योंकि अब जैसे कॉमरेड ने कहा मतलब ये रिस्पेक्ट की बात है, सैमुअल भी बहुत बार आया वहाँ पर, पुराना दोस्त है मेरा, स्टूडेंट एज वेल, तो उसको अपने संगठन के बारे में कुछ कुछ मालूम है। तो हमने कहा कि ये बात जो ये सिर्फ मजदूरी की नहीं है, ये सिर्फ टेका प्रथा की नहीं है, ये जो है जहाँ पर वर्ग जात और लिंग से ट्रिपल ऑपरेशन 95% जो काम करते हैं ये महिला ये काम करते हैं। तो फिर उस एक एक उस एक अप्रोच के साथ हम लोग वहाँ पर काम शुरू किए, और जब ये मतलब संगठनें बनी बिहार में भी अभी बहुत सारे संगठन हैं, मतलब पूना में भी संगठन है, अलग अलग राज्यों में संगठन है। तो ये जब पूरा सैनिटेशन वर्कर्स की बात चली, हमने अभी ये मतलब सोचे कि बहुत सारे मीटिंग्स में ये सैनिटेशन का जो मुद्दा है ये इसको हम लोग पोलिटिकल मुद्दा बनानी पड़ेगी। और ये जो स्वच्छ भारत का एक जुमला है ये सचमुच में आप मतलब मजदूरों से बात करिए, आप ही मतलब आप जाकर किसी एक सैनिटेशन वर्कर से बात करिए, उनमें आपको गुस्सा दिखेगी कि हम जो है रोज ये काम कर रहे हैं और अपना मजाक चार साल से स्वच्छ भारत के नाम पर उठता है। एक मजदूर आप मतलब ये बोले नहीं, लेकिन जब आई थिंक ऐश्वर्या राय ने एक बार झाड़ू पकड़ी थी ना, मतलब ये जब ये चला सारे एक्ट्रेसेस मगर ना, तो फिर अपने मजदूर इतना गुस्सा आया कि ये क्या है, अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई ये झाड़ू पकड़ते पकड़ते, और ये एक दिन झाड़ू पकड़कर फ्रंट बेंच पर मीडिया पर आ रही है, इतना गुस्सा हमको हुआ। और उसी समय मुझे अभी भी याद है कि जब ये चला तो इंडिपेंडेंस डे पर मालूम है सब सडनली सबका मतलब पेट्रियोटिज्म मतलब आ जाता है, तो झाड़ू सब पकड़ लिया उस दिन। उसके एक दिन पहले तीन मजदूर तीन वर्कर्स जो है एक मैनहोल में मरे, और हम लोग जाकर वहाँ पर खूब लड़ाई करके FIR कराए, और उस समय हम लोगों ने लड़ाई मतलब करके हमने बोले कि FIR जो है अटेम्प्ट ये आपको 304(2) मर्डर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमेंटिंग टू मर्डर आप करिए, ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये आपको जान बूझ कर आप मार डाल रहे हो। सो वी फॉट वी सैट टू से द पुलिस स्टेशन वी गॉट द FIR। तो अगला दिन जब ये हुआ हमको तो सह नहीं है, तो हम लोगों ने एक पैम्फलेट लिखा और सारे मजदूर मतलब इकट्ठा होकर जो भी व्यक्ति वो झाड़ू उठाए हम जाकर उनसे हाथ मिला कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अब परसों के दिन ये जो तीन मजदूर मरे उनके बारे में हम लोग एक धरना रखे, आप प्लीज वापस आइए, आपको अगर देश के बारे में इतनी चिंता है स्वच्छ भारत के बारे में आपको इतनी चिंता है आप आइए, आप वहाँ पर बिगड़े आपको आश्चर्य लगेगा। जब ये किए हम लोग
आई एम नॉट किडिंग यू, इट वाज फैंटास्टिक साइट. लगभग 5-6 जो लोग थे, मतलब एकदम. तो शायद हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ बेंगलोर का स्टोरी है या फिर कॉम्रेड्स क्योंकि बाहर से आए, ये सिर्फ बाहर का स्टोरी है. हमारे खुद के कैंपस में यहाँ पर भी सैनिटेशन वर्कर्स का अपना एक टू का विंग चलता है. उन्होंने अपना पीएफ का, एसआई का और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज का, मास्क, ग्लव्स और जूतों का लड़ाई इसी कैंपस में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर लड़ा है. और कैंपस में भी हमारे यहाँ मैला ढोने का प्रथा होता था और कुछ ही साल पहले उसी अपनी मजदूरों की लड़ाई की वजह से इस कैंपस में मैनुअल स्क्वेंचिंग को बंद किया गया और जानवर उठाने के लिए वर्कर्स ने मना किया कि हम किसी गटर में ना उतरेंगे और ना ही कोई भी मरा हुआ जानवर हम लोग आज के बाद उठाएंगे. और ये लड़ाई कहीं और बाहर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे कैंपस के जो कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर हैं. और उसके साथ साथ मुझे याद आता है कि हम लोग जब जीएस कैश का पार्ट हुआ करते थे, जैसे कॉम्रेड ने अभी बोला कि सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस बहुत फ्रीक्वेंट होते थे, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो सुपरवाइजर होते थे और आज भी कैंपस में ये होता है कि जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो जो महिला कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं, क्योंकि वो जैसे ही अपनी बात बोलने के लिए जाते हैं वैसे ही उनको सीधे बोल दिया जाता है कि तुमको निकाल देंगे, या फिर उनका हॉस्टल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है कि कल से आने का ज़रूरत नहीं. वो भी क्योंकि आज जेएनयू में एक टू का अपना एक यूनिट चलता है, उसकी वजह से कॉम्रेड्स वो लड़ाइयाँ लड़ पाए हैं और इस कैंपस में वो संघर्ष मजदूरों ने जो किया है उसकी वजह से यहाँ पे मैनुअल स्क्वेंचिंग और ये जानवर उठाने वाली प्रथा अभी बहुत रिसेंटली 2-3 साल पहले ही बंद की गई. इसके मत मुगता बता इव स्वच्छ भारत इकान स्वच्छ भारत ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿತದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜನರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಇವನು ಓಟಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡೋರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡೋರು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪರಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಸ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕ? ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎತ್ತಿತ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿನ ಎತ್ತಾಕ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಬರಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ? ಅವನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಏಕಾಗಿ ಚಲತೆ ಎಸೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಜೋ ಮಜ್ದೂರ್ ಆಜ್ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಜಬ್ ಯೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾ ಆಯಾ ಥಾ तो लोगों को मतलब कहीं पर एक दुविधा भी हुई थी. एक तरफ उसने कहा कि आपको 15 लाख दूंगा, आप सब लोग अकाउंट खोलिए, तो बहुत सारे लोग अकाउंट खोले, किसी को 15 लाख मिली भी नहीं. उसके बाद वो डिमोनेटाइजेशन लाया, बोले कि आपको सब अच्छा होगा, देश के लिए एक भलाई है, लेकिन अंत में अपने मजदूर जाकर क्यों में खड़ा होकर लोग मरे वहाँ पर. तो पूरी जो मोदी से परेशानियाँ हैं वो अपने मजदूर खुद अपने जिंदगी में उसको किए. तो जब ये स्वच्छ भारत का पूरा एक जुमला चला तो अपने मजदूरों ने बहुत बुरा लगा कि ये जो अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है वो बस जाकर एक दिन एक झाड़ू हाथ में पकड़ लिया. उसका जो उनका फोटो हर अखबार में आती है. हम लोग हर दिन सुबह से लेकर शाम तक मरा हुआ कुत्ता को अपने हाथ में हम लोग साफ करते हैं. सब जो गंदगी है अपने हाथ से हम लोग साफ करते हैं. हम लोग कहा कि इनको दिखाई देते हैं. तो ये जो है जब ये चला हमको बहुत ही गुस्सा हुआ और हमको ये मतलब एक जुमला है पहले से हमको मालूम था. ಸುಮಾರು ಜನ ಫಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗೂ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವನೇನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅವ್ರ ಥರ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಸರಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಿವತ್ತು,
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಏಕಾಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ ಅಬ್ ಯೇ ಭಿ ದೇಖಿಯೇ ಕಿ ಕಿತ್ನೆ ಲೋಕ್ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮೇ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇ ಮರ್ ರಹೇ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ತೋ ಲಗಾತಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಹಿ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಯೇ ಪೂರಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾ ಏಕ್ ಪೂರಾ ಏಕ್ ಗಾನಾ ಗಾತಾ ಜಾತಾ ಹೈ. ಕಾನೂನ್ ಯೇ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಮೇಲಾ ದೋನೇ ಕಾ ಪತಾ ಯೇ ಜೋ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್ ಹೈ ವೋ ನಹೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ ಕಾನೂನ್ ಕಾ ತೋ ಕೋಯಿ ವೋ ಇಜ್ಜತ್ ಹೀ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಮುಝೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಸಿರ್ಫ್ ಹಮ್ ನಹೀ ಆಪ್ ಹೀ ಸಬ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಸೋಚನಾ ಪಡೆಗಾ ಕಿ ಇಸ್ಕೋ ಕೈಸೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಇಸ್ ಕೈಸೆ ಇಸ್ಕೋ ರೋಕೆ. ಔರ್ ಮಜ್ದೂರ್ ಜೆ ಯೇ ಕಹೀ ಮೂರ್ತ ನಹೀ ಹೈ, ಉನ್ಕೋ ಜಬ್ ಯೇ ಲಗಾ ಕಿ ಐಸೆ ಏಕ್ ಕಿಲ್ವಾಡ್ ಚಲ್ ರಹೀ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್, ತೋ ಯೇ ಭಿ ಏಕ್ ಪ್ರಶ್ನ ಉಠಾ ಕಿ ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕೈಸೆ ಪರ್ದಾ ಫಾಶ್ ಕರೆ. ತೋ ಯೇ ಏಕ್ ಸೋಚ ವಿಚಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಸಬ್ ಆಜ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಆಯೆ ಹೈ, ಔರ್ ಹಮ್ಕೋ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಅಪ್ನಿ ತರಫ್ ಸೆ ಜೋ ಭಿ ಏಕ್ ಕೋಶಿಶ್ ಹೈ ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಆಜ್ ಕೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕಿಯೇ. ಅಭಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈಂ ಇತ್ನಾ ಹೀ ಬೋಲ್ತಿ ಹೂಂ, ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಆಜ್